नहीं चाहिए। अब फिल्म का हमको तो मालूम नहीं है भाई, लोगों को कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। अच्छी अच्छी फिल्में चलती नहीं है, बेहुदा फिल्में चलती है। तो अब तेरे फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं मालूम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। लेकिन बहुत साल लगा है यार तूने, 71 फिल्में तुमने प्रोड्यूस की है और इसके बाद तू डायरेक्टर बन रहा है। बहुत पहले होना चाहिए था, गलत लोगों को लेके बहुत फिल्में गिर गई है हमारी, उसमें से 3 फिल्में मेरी भी है। सभी नए बच्चे लिए हैं, बहुत ही अच्छा। मुझे याद आया अंकुश के वक्त, जैसे एन चंद्रा ने सभी नए बच्चे लिए थे, उसमें से मैं एक था। और ऐसी ही फिल्में ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि वो ज़्यादा भिड़ती है, कोई इनिबिशंस नहीं। जिस तरह से बच्चे काम करते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है, जैसे हूँ मैं से हूँ। बहुत अच्छा है। हमारे बंदे को तो बहुत बीमार था, तो लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। तो शाम कह रहा है, भाई भाऊ जरा एक काम करना, अपना जो फ्लैट है अभी लिया हुआ उसको बेच के एक छोटे से फ्लैट में फैमिली को शिफ्ट करना, मुझे अगर कुछ हो जाए। मैंने कहा पहले मर तो सही, बाद में मैं करूँगा ना। ये बंदे के 3 ऑपरेशन लगातार हुए और ऊपर वाले की दया है, अब बिल्कुल ठीक है। कोई गलत उसको आदत नहीं है, ना तो शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है, औरतों की तरफ तो बिल्कुल देखता नहीं। तो मतलब इतना होनहार मेरा जो छोटा है, इतना बेहतरीन। और ये बच्चों को मैंने ऐसे गोद में खिलाया हुआ है, 2-3 साल का ये था, अरबी की 5 साल का। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बच्चे ऐसे इतने बड़े हो गए। और क्या चाहिए, इससे बड़ी तो तरक्की हो नहीं सकती दुनिया में। पैसे से ज़्यादा ये बड़ी मेरी प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आने की वजह ही वो है। शैलेंद्र तो ऐसे लगातार फिल्म करते रहे, नए बच्चों को ले ले, लेकिन ये तेरी फिल्म बहुत चले, ताकि क्या हौसला बढ़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से लुक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बीच में मुझे लगा तू भी है एक शॉट में, तू ही था। चल अगली फिल्म में मैं भी काम करूँगा तेरे साथ।